Subscribe now and press the bell icon. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम ओरियो डेसर्ट बनाएंगे, जिसके लिए हमने ये हमने चार पैकेट हमने बिस्कुट लिए हैं ओरियो, इसको हमने पैक से निकाल लिया है। टोटल हमने 6 पैकेट लिए थे, जिसमें हम 5 बिस्कुट होते हैं, 2 पैकेट हम बाद में यूज़ करेंगे, 4 पैकेट हमने लिए हैं। ये पहले ग्राइंड करेंगे, इस तरह हम इसकी क्रीम पहले अलहदा करेंगे। ये सारे बिस्कुट की हम इस तरह क्रीम अलहदा कर लेंगे। हमने बिस्कुट से क्रीम ये अलहदा कर ली है, अब हम इस बिस्कुट को ग्राइंड कर लेते हैं। इस तरह का हमने इसे ग्राइंड कर लेना है। अब हम इसे निकाल लेते हैं। इसके हम 3 हिस्से करेंगे, एक हिस्सा हम इससे निकाल लेंगे, 2 हिस्से हम इसमें इस्तेमाल करेंगे, ये हम बाद में इस्तेमाल करेंगे। अब हमने ये देसी घी लिया है, हमने 2 चम्मच ये इसमें मिक्स करेंगे। इसे अच्छी तरह मिक्स करेंगे। ये हमारा अच्छी तरह मिक्स हो चुका है, अब हम इस ट्रे में इसे डालेंगे। सारे ट्रे में इस तरह हम इसे तह लगा लेंगे, अच्छी तरह दबा दबा कर। अब हम इसे 10 से 15 मिनट तक फ्रिज में रखेंगे ठंडा होने के लिए, ताकि ये अच्छी तरह सेट हो जाए। ये हमने 1 पैकेट व्हिप क्रीम का लिया है, अब हम इसे तैयार करते हैं इतनी देर तक। अब हम इसे 4 से 5 मिनट तक अच्छी तरह व्हिप करेंगे। जितनी देर तक ये क्रीम की शक्ल में नहीं होगा, इतनी देर तक हम इसे इस तरह फेंकते रहेंगे। को हमने अच्छी तरह व्हिप कर लिया है, अब हम ये जो क्रीम निकाली थी बिस्कुट में से, ये भी इसमें डालेंगे। इसे भी मिक्स कर लेंगे। ये हमने कंडेंस मिल्क लिया है, हम इसके 4 चम्मच इसमें डालेंगे। इसे भी हम अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। हमने 1 पैकेट निकाल लिया बिस्कुट का, अब हम इन्हें इस तरह छोटे छोटे पीस करके इसमें डालेंगे। इसे भी हम अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अब ये हम ये जो क्रीम है इसके ऊपर सारी डालेंगे। अब हमने ये जो अलहदा रखा था बिस्कुटों का चूरा, ये इसके ऊपर हम डालेंगे थोड़ा थोड़ा करके। अब हमने ये एक पैकेट रखा था बिस्कुटों का, इस तरह हम इसकी गार्निश करेंगे। हमारी ओरियो डेसर्ट बिल्कुल रेडी है, अब हम इसे 5 घंटे के लिए फ्रिज में रखेंगे, फिर हम इसे चेक करेंगे। हमारा ओरियो डेसर्ट बिल्कुल रेडी है, हमने इसे 5 घंटे फ्रिज में रखा था, बहुत अच्छा बना है, बहुत मज़े का है, आप भी ज़रूर ट्राई करना। अगर मेरी वीडियो पसंद आए लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। अब हम इसे काट कर चेक करते हैं।